हमीरपुर के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है और आज बड़े दुख की बात है कि बीजेपी इंदिरा गांधी को भूलकर पटेल को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर में अनुराग ठाकुर आए हुए थे और बड़े दुख की बात है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम को भी याद नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को याद रखना चाहिए कि सरदार पटेल और इंदिरा गांधी कांग्रेस के ही नेता थे और नेता रहेंगे। 31 अक्टूबर की जो मीटिंग रखी गई वो कांग्रेस के लिए एक जयंती है और एक पुण्यतिथि है। जयंती सरदार पटेल जी की है, उनका जन्मदिन है, और पुण्यतिथि इंदिरा गांधी जी की है जो आज़ाद भारत के ऊपर उन्होंने अपनी शहादत दी थी। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी हर वर्ष इन दिनों को मनाती है और उनको याद करती है, उनके बनाए हुए दर्शनों को आगे ले जाने के लिए अपना कसम खाती है और आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। जहाँ तक बीजेपी वालों ने एकता दिवस मनाया है, बड़े दुख की बात है, जिस वक्त इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी थी और हमारे पड़ोस में उग्रवाद चरम सीमा पे था, असम में उग्रवाद चरम सीमा पे था, मिजोरम में उग्रवाद चरम सीमा पे था, नागालैंड में चरम सीमा पे था, तो उसने भी शहादत जो देश की एकता को अखंड रखने के लिए उनकी शहादत हुई। और आज यहाँ मैंने मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने अपने स्पीच दी और बड़े दुख की बात है कि देश का वित्त मंत्री कम से कम उस शहादत के ऊपर भी कोई दो शब्द बोलता तो हम समझते हैं कि देश में एक कोई सरकार बनी है। ये उन शहादतों को भी पार्टी के इस चिन्ह पर बांधने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि सरदार पटेल और इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं और नेता रहेंगे और नेता थे। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।